example regarding function pointers. Mrs. Kismet Stone ne two function declarations provide ki m1 aur m2. m1 aur m2 dono hi kaise 0 argument functions, plus in functions mein jo koi value return nahi karana, simply message display karana hai, isliye return type use kiya jaye void. Then aapko pata hai already execution kis place se start hoga, from main functions. To just execution ke respect mein provide kar raha hu body of main. Main ke case mein just abhi tak agar main agar is place par directly write down karta hu like m1, then इस केस में execution किसका होगा, function m1. अगर मैं similarly call करता हूँ m2, इस केस में execution किसका हो रहा है, m2 functions. मीन्स अभी तक आपने किसी function को access किया था using function name, लेकिन इस केस में just मुझे same function call कराना using function pointers. clear? सबसे पहले अगर इन functions के declarations की बात करें, दोनों ही functions के signature means header part कैसे same header part means same return type, same argument list. clear? तो सबसे पहले m1 के रिस्पेक्ट में एक पॉइंटर क्रिएट करना चाहता हूं, या फंक्शन पॉइंटर. जस्ट मैंने प्रीवियस केस में था, पॉइंटर क्रिएट करने के लिए आपको कभी भी कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हुआ. मींस आप जिस फंक्शन को आप पॉइंटर के थ्रू एक्सेस करना चाहते हो, उस फंक्शन का सिंपली आपको हेडर पार्ट कॉपी कराना. अगर मुझे m1 का पॉइंटर क्रिएट करना था, m1 के हेडर पार्ट में क्या राइट डाउन, जस्ट void फंक्शन नेम क्या है इस केस में, m1 देन ब्रैकेट, जस्ट लाइक दैट. बस इस केस में आपको फंक्शन पॉइंट जैसे डिक्लेरेशन के केस में करंटली से रिप्रेजेंट क्या हो रहा है, डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन m1, जिसको जस्ट पॉइंटर डिक्लेरेशन में कन्वर्ट करने के लिए ओनली फंक्शन नेम को सिंपली रिप्लेस किससे करा लोगे, पॉइंटर नेम विद स्टार, मींस लाइक अ स्टार fp और pdr एनीथिंग्स स्टार fp. क्लियर? इस केस में fp क्या, सिंपली फंक्शन पॉइंटर. देन इस केस में राइट डाउन किया लाइक अ स्टार fp. तो इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट से कॉल क्या हो रहा है, m1 फंक्शन, क्योंकि fp के अंदर एड्रेस किसका है, m1 का. सिमिलरली इसको कॉल करने का अदर वे क्या है आपके पास, m1 सिम लाइक m1. इसे इनिशियली fp के अंदर अभी मैंने कोई एड्रेस असाइन नहीं किया, इसलिए सॉरी इस केस में अभी कॉलिंग कैसा इनवैलिड, क्योंकि fp के अंदर कोई एड्रेस असाइन हुआ है क्या, नहीं. अगर आप fp के केस में बात करें तो fp का सिग्नेचर m1 से भी मैच हो रहा है, m2 से भी मैच हो रहा है, इसलिए fp के अंदर m1 का भी एड्रेस असाइन कराना पॉसिबल और m2 का भी एड्रेस असाइन करना पॉसिबल है. देन करेंटली मैंने इसमें एड्रेस किसका पास किया, m1 का. तो इस केस में अगर मैं fp के थ्रू फंक्शन कॉलिंग ट्राई करूंगा, देन इस केस में कौन सा फंक्शन कॉल होगा, m1 और m2. fp के अंदर करेंटली एड्रेस किसका है, m1 का, तो कॉल भी क्या होगा इस केस में, फंक्शन m1. सिमिलरली सेकंड केस में राइट डाउन किया fp इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ m2 और सिंपली m2, दोनों के मीनिंग कैसे हैं, एग्जैक्टली सेम. इस m% कंपलसरी नहीं, ऑप्शनल. नेक्स्ट वन अगेन मैंने राइट डाउन किया स्टार fp, देन सेकंड टाइम सेम केस में कॉलिंग किसके लिए, अभी से देखा जाए तो दोनों ही स्टेटमेंट कैसे हैं, सेम. जस्ट फर्स्ट केस में इस स्टेटमेंट से कॉल क्या हो रहा है, m1. सेकंड केस में इस स्टेटमेंट से को सेम स्टेटमेंट से कॉल क्या हो रहा है, m2. इसे क्या, जस्ट पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर, ये सेम नेम का यूज करके आपके लिए डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन एक्सेस करना पॉसिबल है. द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इन ऊप्स. ऊप्स के केस में पॉलीमॉर्फिज्म का मीनिंग क्या रहता है, जस्ट अगर किसी भी फंक्शनैलिटी को मल्टीपल पर्पज से अगर यूज करना पॉसिबल है, इस बिहेवियर को नेम दो गया जाए पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर. सेम है इस केस में थिंग्स का fp. fp m1 पर्पज से यूज करना पॉसिबल है, m2 पर्पज से यूज करना पॉसिबल. मींस अगेन इस केस में बिहेवियर किस टाइप का रिप्रेजेंट हो रहा है, पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर. मींस सपोज दैट इस केस में फाइल नेम क्या है, a.c. जब इस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेंगे, एग्जीक्यूशन से जस्ट पहले रिक्वायर्ड क्या होगा, कंपाइलेशन. कंपाइलेशन टाइम पर आपका अवेलेबल क्या है, exe फाइल, और इसी exe फाइल में कितने फंक्शन का मशीन कोड है, m1 m2 और मेन फंक्शंस. जस्ट सबसे पहले परफॉर्म किया हुआ लोडिंग दिस रिक्वायर्ड इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम हार्ड डिस्क टू रैम मेमोरी. तो सबसे पहले परफॉर्म क्या रहा है, लोडिंग इनसाइड रैम. देन दिस इज द ब्लॉक. सपोज दैट इस ब्लॉक का बेस एड्रेस है समथिंग 100, प्लस इस ब्लॉक में लोड क्या हुआ है, एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शंस ऑफ m1. इसलिए इस ब्लॉक को लॉजिकली कंसीडर करेंगे एज m1, और m1 के अंदर स्टेटमेंट क्या, समथिंग इनसाइड printf इनसाइड m1. मैं जस्ट शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूं. सेम एज अदर फंक्शन कौन सा लोड हुआ, इसे डिफरेंट मेमोरी ब्लॉक में लोडिंग किसके लिए हो जाएगा, समथिंग फंक्शन m2. इसलिए इस ब्लॉक का लॉजिकल नेम क्या, समथिंग m2, प्लस इसके अंदर जस्ट स्टेटमेंट क्या था, इनसाइड m2, लाइक दैट. इस प्लेस पर एड्रेस 100, इसलिए इसका अदर नेम क्या है, स्टार 100. इस प्लेस का एड्रेस 200, अदर नेम क्या हुआ, स्टार 200. क्लियर?
जस्ट फंक्शन के रिस्पेक्ट में आपको डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, सेम केस इन मेन मेथड। मेन मेथड के किस में ब्लॉक को हाईलाइट करने की नीड नहीं है। ये सेम केस किसके लिए क्रिएट हुआ, ऑल्सो मेन ब्लॉक सम एड्रेस एज 300 ब्लॉक नेम एज मेन। देन मेन फंक्शन के केस में सबसे पहले एग्जीक्यूशन किस प्लेस स्टार्ट होगा, फ्रॉम मेन फंक्शन। देन परफॉर्म क्या हुआ, लोडिंग इन साइड स्टैक एरिया। तो करेंटली सबसे पहले स्टैक के अंदर लोडिंग किसके लिए होगा, मेन फंक्शन। मेन फंक्शन को कॉल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। इसे कोई मेमोरी के अंदर प्लेस है जिस प्लेस पर ऑपरेटिंग सिस्टम लोड है, प्लस इस प्लेस का भी मैं एड्रेस है जो कर 400। वो ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरनली सबसे पहले कॉल किसको करता है, मेन फंक्शन। मेन फंक्शन किस प्लेस पर कॉल हो रहा है, 400 लोकेशन। तो जैसे ही मेन फंक्शन स्टैक में लोड होगा, मेन फंक्शन को स्टैक में लोड करने का मीनिंग क्या है, कॉलिंग प्लेस का एड्रेस होल्ड कराना। बिकॉज जब मेन फंक्शन के अंदर अवेलेबल स्टेटमेंट का जब एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा, देन ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे पता चलेगा कि कंट्रोल किस प्लेस पर सेंड करना है। जस्ट मेन फंक्शन किस लोकेशन में कॉल हुआ है, 400 लोकेशन, इसका रिटर्न एड्रेस भी कैसे हो जाएगा मेमोरी के अंदर, 400। ये एड्रेस आपको विजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट वन, मेन फंक्शन जैसे लोड हो, मीन्स टोटल टू पर्पज मैंने एक्सप्लेन किया। तो फर्स्ट वन स्टोरिंग रिटर्न बैक एड्रेस, दूसरा पर्पज क्या था, एलोकेटिंग मेमोरी स्पेस फॉर लोकल वेरिएबल्स। इस मेन फंक्शन के अंदर ओनली सिंगल लोकल वेरिएबल क्रिएट हुआ है, एफ पी इज अ पॉइंटर। देन इस पॉइंटर के लिए एलोकेशन परफॉर्म हुआ, इसका खुद का मैं एड्रेस एज्यूम कर रहा हूं समथिंग 500 स्टैक एड्रेस। देन एफ पी के अंदर असाइन क्या हुआ, एड्रेस ऑफ एम वन। इस ब्लॉक के अंदर एम वन लोकेशन का एड्रेस क्या है, 100। तो इसे एफ पी में असाइन क्या हो जाएगा, एड्रेस एज 100, क्लियर। देन इमीडिएटली एफ पी 100 लोकेशन को पॉइंट करना स्टार्ट करे, इसलिए इसका एक और नेम क्या क्रिएट हो जाएगा, स्टार एफ पी सिमिलर टू एम वन, क्लियर। मीन्स जिस प्लेस पर अभी तक आप एम वन यूज कर रहे थे, एम वन के प्लेस पर आपके लिए अल्टरनेटिव क्या यूज करना पॉसिबल है, जस्ट स्टार एफ पी। देन इसके जस्ट बाद में राइट डाउन क्या किया, स्टार एफ पी देन ब्रैकेट। ब्रैकेट में कोई वैल्यू पास नहीं किया, क्योंकि एफ पी जिस फंक्शन को पॉइंट कर रहा है, उस फंक्शन का आर्गुमेंट टाइप क्या है, 0, क्लियर। देन इस केस में जस्ट कॉल क्या हुआ, मीन्स इस प्लेस पर, इस पर्टिकुलर कॉलिंग से एग्जीक्यूशन कंट्रोल उस प्लेस पर सेंड होगा जिस प्लेस का एड्रेस 100 है, क्लियर। प्लस ये 100 एग्जीक्यूशन किस प्लेस पर हुआ, इनसाइड मेन फंक्शन, और मेन का एड्रेस क्या है, 300। मीन्स इस प्लेस पर कॉल क्या हो रहा है, स्टार एफ पी लाइक दैट। इस प्लेस का एड्रेस क्या है, 300। तो जब इस केस में एम वन फंक्शन कॉल होगा, तो एम वन का रिटर्न एड्रेस क्या स्टोर हो जाएगा, समथिंग 300। प्लस एलोकेशन किस लिए, लोकल वेरिएबल ऑफ द एम वन। उसके जस्ट बाद जैसे ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, एम वन के अंदर बॉडी पार्ट में अवेलेबल क्या, ओनली सिंगल स्टेटमेंट। तो इसके अकॉर्डिंग मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा इन साइड एम वन। मैसेज क्या प्रिंट होगा इस केस में, इन साइड एम वन, क्लियर। इसके जस्ट बाद कंट्रोल का सेंड होगा रिटर्न बैक टू कॉलिंग प्लेस। अब कॉल किस प्लेस पर हुआ था, इसके कॉलिंग प्लेस का एड्रेस किस प्लेस में मिलेगा, इन साइड स्टैक। स्टैक के अकॉर्डिंग एम वन फंक्शन किस प्लेस पर कॉल हुआ, 300 मीन्स दैट प्लेस। मीन्स इस प्लेस का मैंने एड्रेस एज किया डायग्राम के अकॉर्डिंग एज 300। मीन्स कंट्रोल कहेंगे रिटर्न बैक टू सेम प्लेस। नेक्स्ट टाइम एफ में मैंने कॉपी किया M2 से क्या प्रिंट होगा, बेस एड्रेस ऑफ M2 का बेस एड्रेस क्या है, 200। तो नेक्स्ट टाइम एफ में क्या आसान हो जाएगा, 200। तो सेम पॉइंटर पॉइंट किसको करेगा, लोकेशन 200। नेक्स्ट टाइम सेम फंक्शन कॉलिंग से इस प्लेस पर क्या आएगा, स्टार 200। मीन्स 200 प्लेस पर जो भी स्टेटमेंट्स अवेल वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, प्लस ये लोड कहाँ हो जाएगा, इन साइड स्टैक। अगेन इस प्लेस पर कॉलिंग एड्रेस क्या है, किस प्लेस पर कॉल हो रहा है, अगेन ये मेन फंक्शन के अंदर कॉल होगा, मेन का एड्रेस क्या है, 300। तो अगेन कॉलिंग एड्रेस क्या है इसका, मीन्स अगर इसे स्टेटमेंट का एड्रेस 301 है, 302, 303, मैं इसको नेम दे सकता है 305 समथिंग लाइक दैट। जस्ट मैं नॉर्मल नेम प्रोवाइड करना चाहता हूँ 300। मीन से एड्रेसेस में आपको कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं, आप कोई भी एड्रेस ले सकते हो, जस्ट एक्सप्लेनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने डिफरेंट एड्रेसेस यूज किए हैं। नेक्स्ट वन, फाइनली इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट से कॉलिंग किसका हुआ, 200 वाला फंक्शन, और 200 में कौन सा फंक्शन लोड है, M2। तो कंट्रोल का सेंड हुआ इनसाइड बॉडी ऑफ M2, इससे सिंपली डिस्प्ले क्या हो जाएगा, इनसाइड M2। मीन्स नेक्स्ट एग्जाम्पल जब मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, उसके इसमें कोई भी डायग्राम कंस्ट्रक्ट नहीं करूँ, सिंपली एग्जीक्यूशन एक्सप्लेन करें, क्लियर। सिंपली इस टाइप से आपके लिए फंक्शन पॉइंटर डिक्लेरेशन स्क्वाड करके किसी भी फंक्शन को पॉइंटर के थ्रू एक्सेस करना पॉसिबल, लाइक वेरिएबल्स।